वीआर सॉफ्टटेक 2010 से एस्टेब्लिश है। हमारी टीम साइज 500 प्लस है। हमने 8000 प्लस ग्लोबली प्रोडक्ट डिलीवर किए। हम CMMI लेवल 3 सर्टिफाइड है। हमारे डेवलपर वेल स्किल्ड है सभी टेक्नोलॉजीज में। आज हम देख रहे हैं वीआर शॉपिंग सॉल्यूशन जो कि मल्टी वेंडर में अवेलेबल है। इसमें शिपिंग एंड पेमेंट गेटवे के लिए थर्ड पार्टी API का इंटीग्रेशन रहता है। आइए देखते हैं इसका इंटरनल फंक्शन। BR शॉपिंग में हमारे पास में अवेलेबल है BR शॉपिंग वेब एंड एप्लीकेशन। अब अपन स्टार्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन के साथ में। ये एप्लीकेशन का लैंडिंग स्क्रीन है, होम स्क्रीन जिसको अपन बोलते हैं, जिस पर आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन, फेवरेट और बैक का आइकन लगा हुआ है। इसके अलावा हमने सर्च प्रोडक्ट के लिए सर्च बार प्रोवाइड किया है। बैनर सेक्शन अवेलेबल है। देन शॉप बाय कैटेगरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इट्स ये बैनर अवेलेबल है। इसके अलावा हमने लेफ्ट मेन्यू में फीचर प्रोवाइड किए, माय अकाउंट, नोटिफिकेशन, वेस्ट लिस्ट, माय कार्ट, माय ऑर्डर, ऑफर जोन, FAQ एंड लीगल। अब अपन ब्राउज करते हैं प्रोडक्ट्स को। व्यू ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने पे हमारे पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है सारे। इसमें से अपन ने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का MRP वैल्यू और डिस्काउंटेड प्राइस एप्लीकेशन पे, अवेलेबल ऑफर्स, फ्री डिलीवरी, नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस, शेयर आइकन, शेयर विद फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने एंटर पिन कोड फॉर डिलीवरी टाइम, डिलीवरी आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं है उसको चेक करने का ऑप्शन दिया है। पेमेंट ऑप्शन, रिव्यू बाय अदर कस्टमर्स, डिस्क्रिप्शन, रेटिंग्स एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स। अब अपन इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं बाय पे, आप देख पा रहे हैं ऑर्डर समरी। अगर कस्टमर को अपना एड्रेस चेंज करना है तो वो यहाँ क्लिक करके अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, सेलर का नेम आ रहा है, क्वांटिटी, प्राइसिंग डिटेल्स एंड कंटिन्यू ऑप्शन। यहाँ पे किस स्क्रीन पे अपन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शन है COD का और ऑनलाइन पेमेंट का। अपन ने सेलेक्ट किया है कैश ऑन डिलीवरी एंड कंटिन्यू। जैसे ही ऑर्डर सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आएगा, ऑर्डर को एक ID सिस्टम से जनरेटेड हो जाएगी। ऑर्डर ID, अब आप देख पा रहे हैं ऑर्डर प्लेसिंग डेट, ऑर्डर डिलीवरी डेट, ऑर्डर डिलीवर डेट, कैश ऑन डिलीवरी। अब अपन चलते हैं इसका वेब व्यू की ओर। वेब व्यू में एप्लीकेशन में जो फीचर्स अवेलेबल है वो सारे वेब व्यू में भी अवेलेबल है। बैनर है, कैटेगरीज अवेलेबल है, डील ऑफ द डे है, टॉप कैटेगरीज दिस वीक है, गैजेट्स, ऑफर्स एंड फूटर में एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्विक लिंक अवेलेबल है। अब हम चलते हैं सेलर पैनल की ओर। वेंडर पैनल या सेलर पैनल आप इसको बोल सकते हैं। इसमें हमने जो प्रोवाइड किए हैं फीचर डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं, टोटल सेल्स, टोटल ड्यू पेमेंट जो एडमिन से वेंडर को मिलना है, टोटल विड्रॉल, टोटल पेमेंट, टोटल प्रोडक्ट्स जो स्टोर ने जो अपने लिस्ट किए हैं, टोटल ऑर्डर्स जो इसको अभी तक मिले हैं, न्यू ऑर्डर जो इसके रनिंग स्टेटस, रनिंग ऑर्डर्स चल रहे हैं, प्रोसेसिंग ऑर्डर जिनको इसने प्रोसीड किया है बट अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुए। ये एक टोटल सेल्स का हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है ग्राफिकली।
इसके अलावा हमने इसमें मल्टीपल लैंग्वेज गूगल एपीआई के थ्रू नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकता है, अपना प्रोफाइल मैनेजमेंट कर सकता है। इसके अलावा हमने लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसे ही कस्टमर वेंडर अपना लॉगिन करेगा ऑनलाइन उसको डिस्प्ले होगा। इसके अलावा ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे, जो भी प्रोडक्ट वेंडर ने अपने ऐड कर रखे वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे देख सकता है, इसको अवेलेबल एक्टिव डीएक्टिव कर सकता है यहाँ पे। इसके अलावा आप ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें कैटेगरीज, जैसे कैटेगरीज की सेलेक्ट करेंगे, अपन मोबाइल कैटेगरी सेलेक्ट किया है, आप प्रोडक्ट डिटेल्स पे चलते हैं, ऐड प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट यहाँ पे वेंडर अपना पुट कर सकता है। इसके अलावा हमने इसमें एसईओ पर्पज के लिए एसईओ के टैग्स अवेलेबल है, जो वेंडर अपने प्रोडक्ट को ऐड करते टाइम डिफाइन कर सकता है। जो ऑर्डर जो अपन ने प्लेस किया था वो टोटल ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं अपन। जो फर्स्ट वेरी फर्स्ट ऑर्डर जो दिख रहा है ये टोटल ऑर्डर्स है, अभी तक इसको टोटल ऑर्डर्स मिले हैं जो, वो यहाँ लिस्ट में आप देख सकते हैं। अब अपन चलते हैं न्यू ऑर्डर, जिस जो इसको ऑर्डर मिले हैं बट अभी तक इसने वर्क नहीं किया है या उसका स्टेटस चेंज नहीं किया, वो यहाँ देख सकते हैं। ऑर्डर प्लेस्ड हुआ है स्टेटस, अब अपन इसका ऑर्डर का इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है, बिलिंग एड्रेस अवेलेबल है कस्टमर का, शिपिंग एड्रेस अवेलेबल है, इसके अलावा इसमें प्रोडक्ट नेम, प्राइजिंग, फाइनल प्राइजिंग, क्वांटिटी, ऑर्डर स्टेटस, वेंडर जो है अपना स्टेटस यहाँ से चेंज करेगा और उसे प्रोसेस करेगा, वो यहाँ से अपने एंड से प्रोसीड कर चुका है, मीन्स वो इसको इसके ऊपर वर्कआउट करेगा और इसको डिलीवर करेगा। अब अपन चलते हैं प्रोसेसिंग ऑर्डर पे। प्रोसेसिंग ऑर्डर में वेंडर जो है अपने प्रोसेसिंग ऑर्डर्स देख सकता है, जिसको उसको रैप करके अब शिपिंग के लिए भेजना है। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर जो है, अब इसका स्टेटस अपन चेंज करते हैं। यहाँ पे व्यू ऑर्डर और व्यू इनवॉइस का फीचर अपन ने प्रोवाइड किया है, व्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे अपन। व्यू ऑर्डर में जाने के बाद अपन इसका स्टेटस चेंज करेंगे, शिफ्ट, शिपिंग के लिए हमने इसमें थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन का फीचर प्रोवाइड किया है। जैसे ही थर्ड पार्टी शिपिंग को कंप्लीट करती है वो अपने एंड से स्टेटस को चेंज करता है, जैसे ही स्टेटस चेंज होता है वो हमारे सिस्टम में डिलीवर्ड ऑर्डर्स में आएगा। अगर कोई कस्टमर अपना ऑर्डर को कैंसिल करता है या उसको रिटर्न करता है, वो कैंसिल ऑर्डर और रिटर्न ऑर्डर में डिस्प्ले होगा। इसके अलावा हमने इसमें ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं पेमेंट्स का, नेक्स्ट पेमेंट, प्रीवियस पेमेंट एंड टोटल पेमेंट जो अब तक वेंडर को मिला है एडमिन से। इसके अलावा हमने इसमें रिपोर्ट का फीचर प्रोवाइड किया है, सेल्स रिपोर्ट, ग्राफिकल व्यू के थ्रू अपना स्टेटस अपना रिपोर्ट चेक कर सकता है, पेमेंट रिपोर्ट्स। अब अपन चलते हैं एडमिन की ओर, अपन देख रहे हैं एडमिन पैनल। एडमिन पैनल में आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे टोटल कस्टमर फीडबैक, टोटल ऑर्डर जो प्लेटफॉर्म पे अभी तक हुए हैं, टोटल सेल प्लेटफॉर्म की क्या सेल हुई है, टोटल अवेलेबल प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज और एंड स्टोर्स। यहाँ पे अपना ग्राफिकल व्यू में एडमिन जो है अपना सेल काउंट कर सकता है, सेल देख सकता है। इसके अलावा रिसेंट ऑर्डर, रिसेंट प्रोडक्ट्स, ऑर्डर टोटल्स, टोटल ऑर्डर्स जो हुए हैं प्लेटफॉर्म पे और पेंडिंग पेमेंट्स, पे आउट्स। इसमें हमने यूजर्स प्रोवाइड किए, रोल एंड मैनेजमेंट, एडमिन जो है अपने सब एडमिन एंड अपने मेंबर्स को क्रिएट कर सकता है एंड उनको रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको प्रोवाइड कर सकता है इसके थ्रू। इसके अलावा कस्टमर लिस्ट में आप देख सकते हैं
जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, इसके अलावा कैटलॉग, यहाँ से आप एडमिन जो है अपनी कैटेगरीज मैनेज कर सकता है, अपने प्रोडक्ट मैनेज कर सकता है, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोडक्ट टिप्स एंड क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स उसको मैनेज कर सकता है। क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स का यहाँ पे मीनिंग है कि मोबाइल एलसीडी दोनों के एट्रीब्यूट्स, उनके डिफाइन करने का, उनके डिस्क्रिप्शन का वे डिफरेंट होता है। उन क्लासेज को, उन एट्रीब्यूट्स को एडमिन यहाँ से अपना मैनेज कर सकता है, एडमिन भी मैनेज कर सकता है, सेम थिंग वेंडर्स भी कर सकता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर, मार्केटिंग। इसमें हमने प्रोवाइड किया प्रमोशन, प्रमोशन ईमेल, प्रमोशनल एसएमएस, टेम्पलेट, बैनर, रिवॉर्ड पॉइंट्स, डील ऑफ द डे एंड ऑफ अप टू। इसके अलावा हमने सीएमएस पेज का मैनेजमेंट के लिए दिया है। शिपिंग, यहाँ से अपना शिपिंग जो जिनसे एडमिन ने थर्ड पार्टी से टाइप जो किया है उनको यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए हमने प्रोवाइड किया है, उनके डिटेल्स अब यहाँ मैनेज कर सकता है। टिकट जनरेशन, इनकेस कस्टमर को या वेंडर को कुछ डाउट है या कुछ उनकी क्वेरीज है, वो एक टिकट जनरेट कर सकता है कस्टमर केयर में जाके, उसका स्टेटस रिजोल्व हुआ है या नहीं हुआ है, उनको एडमिन यहाँ पे मैनेज कर सकता है। इसके अलावा हमने इसमें मॉड्यूल प्रोवाइड किया रिपोर्ट्स एंड फीडबैक का, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है एडमिन, वेंडर सेल रिपोर्ट, एडमिन सेल रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं टॉप 5 प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट आ रही है। एडमिन सेल रिपोर्ट, ऑर्डर आइटम वाइज रिपोर्ट, टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट, पेमेंट्स, इसमें जो टोटल पेमेंट हुआ है रेजर पे या थर्ड पार्टी के थ्रू, पेमेंट गेटवे जो लगे हुए हैं वो यहाँ देख सकता है, ऑर्डर डिटेल्स वेंडर्स का, ऑर्डर डिटेल्स एडमिन का, वेंडर पेमेंट्स एंड पेमेंट रिपोर्ट्स, जो कंप्लीट पेमेंट्स है किसके थ्रू पेमेंट आया है, किस ऑर्डर के रेस्पेक्ट में आया है, कितना पेमेंट जो है वेंडर को एडमिन ने पे किया है और कितना रिमेनिंग है, वो सब यहाँ पे मैनेज होगा। इसके अलावा इसमें हमने सेटिंग मैनेजमेंट दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेरीज एंड डेमो के लिए प्लीज कॉन्टेक्ट।